अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहा है बटर पनीर। बटर पनीर बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। सबसे पहले हम ये पनीर के पीस कट कर लेंगे। बहुत बड़े या बहुत छोटे पीस नहीं करना है। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से इसके पीस कट हो जाते हैं। ये मैंने पनीर के पीस कट कर लिए हैं। सबसे पहले इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा मक्खन लेंगे, ऑयल भी ले सकते हैं। अब इस बटर में हम इस पनीर को फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी डिश है और इजी रेसिपी है। आप फुल वीडियो वॉच करें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आयशा का किचन। पनीर को हमें इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। मेरी फैमिली में पनीर सभी को बहुत पसंद है। पनीर का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इस पनीर को निकाल लेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी फैमिली में सभी को अच्छी लगेगी। ये एक बाउल में मैंने आधा गिलास पानी लिया है और ये फ्राई किया हुआ पनीर हम इस पानी में डालेंगे। इससे पनीर सॉफ्ट बना रहेगा। इस पनीर के साथ में हम बटर पनीर मसाला मिक्स कर रहे हैं। मैंने 50 ग्राम मसाला लिया है। इस तरह से हमें पनीर को लगभग 15 मिनट तक इस मसाले के साथ में डिप करके रखना है। ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं, मिनिमम 15 मिनट रखना ज़रूरी है। जिस बटर में हमने पनीर फ्राई किया था उसी में अब हम ये प्याज फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है। सब्जी में जितना नमक लगेगा वो नमक हम प्याज फ्राई करते वक्त ले लेंगे। नमक हमें थोड़ा कम लेना है क्योंकि हमने जो बटर पनीर का मसाला लिया है उसमें भी नमक है। प्याज को भी हमें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज हो रहा है, हमें प्याज को लाइट ब्राउन ही रखना है। इस प्याज को हम निकाल लेंगे। ये हमारी फ्राई की हुई प्याज है। इसके साथ में मैंने 2 टमाटर लिए हैं। ये प्याज और टमाटर को हम पीस लेंगे। ये मैंने प्याज और टमाटर पीस लिया है। इस पेस्ट में हम मिर्ची मिक्स कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची लेना है। मिर्ची लेते वक्त ध्यान रखना है कि हमने जो मसाला लिया है उसमें भी मिर्ची है। थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक तो हमने प्याज फ्राई करते वक्त ही ले लिया था। ये सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। जिस कढ़ाई में हमने प्याज फ्राई की थी उसी में अब हम 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करेंगे।
लहसुन अदरक को लगभग हम आधा मिनट तक फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करें कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लगभग आधे मिनट में इसका कच्चापन दूर हो जाता है। आधा मिनट हो गया है। अब इसमें हम प्याज और टमाटर का पेस्ट और जो मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया जो हमने मिक्स करके रखा है, ये मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये डिश खाने में भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और बनाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम प्याज को पहले ही फ्राई कर चुके थे तो ये मसाला बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। मसाला लगभग फ्राई हो चुका है, एक आध मिनट और लगेगा। इस मसाले में हमें तेल नज़र आने लगा है, यानी हमारा मसाला ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम मलाई डाल देंगे। मैंने फ्रेश क्रीम ली है, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। किसी भी सब्जी में अगर हम थोड़ी सी मलाई डाल दें, उस सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, किसी भी सब्जी में डाल के देखें, बहुत अच्छी लगेगी सब्जी। और अगर कोई मसाले ज़्यादा डल गए हैं तो उस मसालों का टेस्ट भी दब जाएगा। इस मलाई को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसमें हमें अच्छे से तरी नज़र आने लगे। ये मसाले में हमें बहुत अच्छे से तरी नज़र आने लगी है। मलाई भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। ये पनीर को जब मैंने इस मसाले के साथ में मिक्स किया था तब इसमें बहुत पानी नज़र आ रहा था, और लगभग हम 15-20 मिनट बाद देख रहे हैं ये मसाला इसमें अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इस पनीर को हम मसाले में ऐड कर देंगे। कम से कम 5 मिनट हम इस पनीर को इस मसाले के साथ में फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो बटर पनीर का मसाला है वो भी इसमें अच्छे से पक जाए। 3-4 मिनट बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। जिस बर्तन में मैंने पनीर को रखा था उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है, और वो पानी हम इस पनीर में ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। अब मैं 1/2 छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गैस बंद कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये बटर पनीर हमारा कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।